हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन एमपीजी के स्टडी पॉइंट। और हमने अवार्ड सेक्शन शुरू किया है करंट अफेयर्स 2021 से 22 तक। और अवार्ड में हमने नोबल पुरस्कार किए हुए हैं और 13 इम्पॉर्टेंट पुरस्कार की हमने एक अलग वीडियो बनाया है। और अब हम 50 अवार्ड करने वाले हैं जो अपने पिछले एक साल में मिले हुए हैं। तो 50 अवार्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इनको कैसे याद रखोगे उसकी शॉर्टकट के लिए अब मैंने कोशिश की है कि मैं पहले से लिख के रखूं ताकि हम कम से कम समय में इन अवार्ड्स को याद रख सकें। बीच का कॉलम मैंने शॉर्टकट्स का बनाया हुआ है, तो आपको वो अवार्ड्स से कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको क्लिक करेंगे कि उसका अवार्ड कौन सा है। सामने मैंने सारे अवार्ड्स जिसको मिले हैं वो नाम मैंने लिखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही आपको अगर कोई स्पेशल वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मुझे 3 वीडियो बनाने के लिए कमेंट मिले हैं, जिसमें एक मुझे एमपी के जो स्टेडियम हैं उन पे वीडियो बनाना है, तो बहुत छोटा सा पार्ट है, वो सब रेडी है, तो मैं उसे जल्दी डालने वाला हूँ। और इसके अलावा जो भी आपने लिखे हुए हैं वो वीडियोज़ मैं उसको जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। सेंसेस ऑफ एमपी का भी, उसके भी शॉर्टकट्स हैं, वो भी मैं आपको जल्दी अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो हमें आज 50 अवार्ड्स पढ़ना है। तो सबसे पहले ये एक स्क्रीनशॉट यदि आप चाहें तो इसके ले सकते हैं, और इसके साथ साथ या फिर आपकी कॉपी को रेडी रखें और नोट्स बनाएं। इस तरह से आपको बहुत कम समय लगेगा इन अवार्ड्स को याद करने में। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे वीर चक्र मिला कैप्टन अभिनंदन। अभी पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, तो आपको कुछ याद हो जाते हैं, लेकिन जब 100 अवार्ड्स हो जाएंगे तो भूलने लगेंगे आप। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीर चक्र मिला है अभिनंदन को। देखो हमें कैसे याद रखना है, जो वीर है ना, आप ऐसे याद रखना, अभी अभी आए हैं वीर भैया हमारे, अभी अभी आए हैं, तो किसको मिला? अभिनंदन को मिला। तो ऑप्शन में जैसे ही अभी आ जाए तो वीर याद रखना। लेकिन जो महावीर हैं, महावीर तो हमारे बिक गए, बिक के क्या बन गए? बाबू बन गए, बिक गए और बाबू बन गए, ये महावीर। तो छोटे वाले वीर तो अभी अभी आए हैं, लेकिन जो महावीर हैं वो बिक गए और बाबू बन गए। तो महावीर का आंसर है बिक मुल्ला संतोष बाबू। तो जैसे ही ये शब्द मिले हैं बिके बाबू ऐसे कुछ करके, तो समझ जाना ऑप्शन वही है महावीर का। रही बात कीर्ति, तो कीर्ति से रिलेटेड 2 पुरस्कार मिले हैं, एक कीर्ति पुरस्कार, एक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ये सारे के सारे 2021 के मिले हुए हैं। तो कीर्ति देखें तो कीर्ति कैसे आएगी, जब घर में प्रकाश पर्याप्त होगा तो कीर्ति आएगी। तो प्रकाश से आंसर हो जाएगा आपका सैपर प्रकाश यादव। और जो राजभाषा यानी राज में कीर्ति चाहिए आपके राज्य में, तो राज्य में कीर्ति आएगी जब खनिज का क्या होगा? विकास होगा। तो ये कौन सा संस्थान है जिसे मिली है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसको मिला है। तो हमने पढ़ लिया वीर, वीर कैसे अभी अभी आए हैं, महावीर, महावीर का क्या सोचकर बिक गए और बाबू बन गए, कीर्ति प्रकाश से आएगी, लेकिन राज्य की कीर्ति, राजभाषा वाली कीर्ति तो खनिज के विकास से आएगी। तो कीर्ति प्रकाश से, ये खनिज विकास से। कर्नाटक के रत्न कौन हैं? अरे ये तो हमारे ही राजकुमार हैं, कर्नाटक के रत्न पुनः वापस से कौन बने हैं? हमारे राजकुमार बने हैं, पुनः राजकुमार बने हैं। तो आंसर है पुनः राजकुमार, ये हो गया। अगला रामानुज, राम से अनुज यानी छोटे कौन हैं? अरे ये तो हमारे नाना हैं, राम से छोटे कौन? नाना। आंसर है नीना गुप्ता। राम से छोटे कौन? नाना हैं, हमारे नाना। आंसर नीना गुप्ता। ऐसे शब्द मिलाना है। लोकमान्य तिलक, तो भाई तिलक का तो पूरा जो टाइम है वो सब पूना के आसपास ही मिला है, तो ये तिलक कौन है? अरे ये तो हमारे पूना वाले वायरस हैं, कौन? पूना वाले वायरस हैं। तो आंसर साइरस पूना वाला। तो तिलक पूना वाले वायरस हैं, आंसर है साइरस पूना वाला। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल, ये रिम्पल को आप समझना पिंपल, पिंपल कब निकले? बुधवार को निकले पिंपल, बुधवार को निकले, मतलब कि डेल रिम्पल नाम से कोई अवार्ड पूछा जाए तो बुधवार, तो आंसर में भी आएगा। देखो बुधवार जैसा एक वर्ड है, बुधवार, आंसर है विनय बुधवार। न्यूरो सर्जरी, सर्जरी के नाम पे आप क्या कहोगे? बस बहुत हो गई सर्जरी, बस, जैसे ही न्यूरो सर्जरी वर्ड आ जाए बस,
तो आंसर है बसंत मिश्रा। तो न्यूरोसर्जरी बस, तो ये है न्यूरोसर्जरी का आंस पुरस्कार। आंस पुरस्कार किसे मिला है? बस बसंत मिश्रा को मिला है। यामीन हजार वुमन, हजार हुसैन वुमन ऑफ सब्सटेंट अवार्ड। तो हजार वुमन लिखा हुआ है, हजार हुसैन वुमन, तो हजार हुस्न, तो आप क्या कहेंगे? हजार हुस्न जैसे ही शब्द आएगा आप कहेंगे सब खोखले हैं, सब खोखले हैं। तो आपको लिखना है जब हजार हुसैन वुमन की लिखें तो आप बोलना सब खोखले हैं। आंसर है खोखले से गोखले, और वो कौन सी गोखले? नमिता गोखले। दोस्तों ये है हमारे पहली स्लाइड, हमने 10 अवार्ड को याद किया। आप इनको लिख लीजिए, ये शब्द बीच में लिखेंगे तो आप रिवीजन करके देखना, आपको सेकंड्स लगेंगे इन अवार्ड्स को करने में। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में फिर आपके सामने अगले 10 पुरस्कार जो आपको याद करना है। इन पुरस्कारों को देखिए कैसे, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सब 2021 के हैं, 22 के भी हम कंप्लीट करेंगे, और सामने उनका आंसर लिखा हुआ है। आंसर का नंबर्स भी मैंने वही लिखा है जो उनका आंसर है। जैसे हम बात करें श्री बसवा इंटरनेशनल पुरस्कार आपसे पूछ लें, तो बसवा वर्ड में याद रखना, बसवा वर्ड में ही कुछ लगा देना है और आंसर आ जाएगा। तो बसवा में हमने लगा दिया लिगा, तो बसव लिगा, यही आंसर है। श्री बसवा इंटरनेशनल पुरस्कार में बसव वर्ड से ही मिला है, आंसर है बसव लिगा। रटना नहीं है, बस ऑप्शन देख के अपन को काम चला लेना है। बर्ड फोटोग्राफर, 3 फोटोग्राफर के अवार्ड हैं, एक बर्ड फोटोग्राफर, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एक यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो याद रखना, पहला आपको सीधा याद रखना है बर्ड फोटोग्राफर किसको मिला है? प्रीतो को मिला है। तो ये तो अपन को सीधा रटना है, तो सीधा इसको रट लो, एलेजांद्रो प्रीतो। लेकिन बात करें वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ पुरस्कार ये एक बाल बना देना है और बाल की लिस्ट बना लेना है, बाल जो हमारे हेयर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो बाल की लिस्ट को मिला है वाइल्ड लाइफ, बाल की लिस्ट, तो आंसर है बालिस्टा। और जबकि यही पूछा जाए कि छोटा वाला वाइल्ड लाइफ, तो वो बिजली को मिला है, तो एक ऐसी कड़कती हुई बिजली बना लो, विद्युत। तो बड़ा वाला तो बाल की लिस्ट बनाओगे तो वाइल्ड लाइफ में बालिस्टा आंसर आ जाएगा, और छोटा वाला यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है विद्युत से, आंसर आ जाएगा विद्युन आर हैबर, ये इसका आंसर है। वाइल्ड लाइफ 3, बर्ड पक्षी वाला जो है वो एलेजांद्रो प्रीतो को मिला है। तो ये हो गया, तो पक्षी सबको पसंद है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं प्रीत, और वाइल्ड लाइफ बाल की लिस्ट को, और यंग वाइल्ड लाइफ विद्युत को से विद्युन आर हैवर। व्हीलर कछुआ, कछुआ कौन है? साला है, कछुआ साला, तो आंसर है सेलेन सिंह। कछुआ साला ऐसे ही बोलना है आपको, तो 5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा कछुआ साला, साला से सेलेन सिंह। नेक्स्ट है एनर्जी, बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड। एनर्जी, बेस्ट एनर्जी किससे मिलेगी? तो महिलाओं को एनर्जी देना है तो उन्हें गोल्ड पहना दो, उससे आपको मिल जाएगी, तो एनर्जी जो है वो गोल्ड से मिलेगी। तो आंसर है त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप, तो ये गोल्ड वर्ड आपको पकड़ना है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप। नेक्स्ट है फिक्शन, ये बुक लिखी है फिक्शन में महिला ने, तो उसके लिए कैसे याद रखना है? तो फिक्शन के लिए याद रखना, एक सूजा आपने जाना होगा, जैसे सुई होती है, सुई का बड़ा रूप होता है सूजा, जैसे शक्कर की जो बोरियां होती हैं उसे सूजा से वो उसको ऊपर से उसमें धागा पिराते हैं, तो सूजा में एक छेद कर देना है, ये छेद है और इसमें पिराना है, इसको कुछ चीज़ इसमें से सूजा में से निकालना है, तो सूजा में पिराना है, तो आंसर है ये है महिला, महिला के लिए, तो महिलाओं को सूजे में से धागा पिराना है, तो आंसर है सूजा से सुजैन, और पिराने से उसकी पुस्तक है पिरानेसी। तो हमने देखा फिक्शन महिला अवार्ड जो है 2021 का वो किसको मिला है, सूजा को पिराना है, तो उसमें जो छेद है उसमें से एक पतले से धागी सुतली ऐसी कुछ डालना है, तो सुजैन क्लार्क वो लेखिका होगी, और उधर उसकी जो पुस्तक है वो है पिरानेसी। नेक्स्ट है अफ्रीका का खाद्य पुरस्कार 2021 का, तो खाद्य जो है फसल को देना है, फसल को, अफ्रीका का खाद्य फसल को मिला है, वो संस्थान कौन सी है जिसमें आता है और वो फसल से रिलेटेड है,
और वो मिला है सैटरडे को, सैटरडे को। तो अफ्रीका का खाद्य पुरस्कार शनिवार को मिला है। तो देखो इक्रीसैट ये संस्थान है, इक्रीसैट संस्थान है, तो ये सैट वर्ड से इसको पकड़ लेना है। तो अफ्रीका का खाद्य पुरस्कार स्वामी ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के कितने चेहरे देखते हैं, तो तीन देखते हैं, एक आगे है एक साइड में एक इधर है, तो तीन देखते हैं, 1 2 3, 3 के आगे 0 लगा दो। तो ये जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, इन्हें मिला है ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मा के तीन चेहरे दिखेंगे, तो 3 के आगे 0 लगा दो 30, तो 30 के संस्थापक आनंद कुमार। यूनेस्को साक्षरता, साक्षरता दिलवानी है, वो भी कैसे, खुले स्कूलों में दिलवानी है, ओपन स्कूल, बंद क्लासों में नहीं, खुले उसमें दिलवानी है। तो यूनेस्को साक्षरता अवस्कार ओपन स्कूल से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS, जिसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान। तो ये है हमारे अगले 20 जो आपको याद रखना है। बसवा से बसवा, बर्ड हम याद रखेंगे एलेजांद्रो और प्रीतो, वाइल्ड लाइफ याद रखेंगे बाल की लिस्ट, और उससे छोटा वाला मिलेगा विद्युत यानी विद्युन, कछुआ साला है, एनर्जी मिलती है गोल्ड पहनाने से, फिक्शन जो है वो सूजा में पिराना है, अफ्रीका का खाद्य पुरस्कार सैटरडे को मिला है, ब्रह्मा के तीन फेस, 30 के संस्थापक आनंद कुमार, यूनेस्को साक्षरता की हम बात करें तो ओपन देना है, पहले क्लोज क्लासों के अंदर दे रहे थे, अब ओपन स्कूल में देना है, तो NIOS। ये हमारे हो गए 20 जिनकी शॉर्टकट है, ये टेबल अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको अपने आप याद होते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले जो 10 पुरस्कार हैं उनको। तो अगली स्लाइड्स, लाइट जा चुकी है इसलिए जो कुछ है इसी उजाले में आपको देखना है, उम्मीद करते हैं लाइट आ जाएगी तो आपको और बेहतर दिखेगा। चलो 21वां अवार्ड, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021, फ्लोरेंस नाइटिंगल। तो आपको याद रखना है नाइट में, नाइट, तो एक आपने बहुत पहले बचपन में एक शब्द पढ़ा हुआ भानुमती का पिटारा, तो वो किसको मिला है, वो मिला है भानुमती का पिटारे को। तो नाइट में क्या खुला, भानुमती का पिटारा खुला, तो भानुमती का पिटारा, तो आंसर है भानुमती धीवल, धीवला, भानुमती धीवला। नेक्स्ट है 22, यंग इको अवार्ड, यंग इको अवार्ड, तो हमारा यंग इको हीरो, तो हमारा जो हीरो है वो किस में है, संकट में है, हमारा यंग हीरो संकट में है, तो आंसर में संकट वर्ड आपको ढूंढना है, तो ये है अयान संकटा, अयान संकटा, हमारा यंग हीरो, इंटरनेशनल यंग हीरो, इको हीरो, ये संकट में है, तो आंसर है अयान संकटा। नेक्स्ट है चेंज मेकर अवार्ड, चेंज रोज रोज थोड़ी आता है, जैसे ही चेंज मेकर हो तो आपको याद रखना चेंज रोज रोज थोड़ी आता है, तो आंसर में रोज वर्ड आएगा, तो देखिए फेरोज, फेरोज, फेरोज फैजा बीथर, तो रोज रोज थोड़ी आता है चेंज, तो 23 का आंसर है रोज वर्ड ढूंढना है। अगला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, तो भैया गोल मारना है, वो भी किसे, हमारे जिले को मारना है, गोल मारना है जिले को, तो आंसर में जिला वर्ड जरूर आएगा, तो देखिए फुम जिले, ये आंसर है फुम जिले, तो ये जिले वर्ड जैसे ही मिल जाए तो समझ जाना वो गोलकीपर अवार्ड है। नेक्स्ट है UNHCR का नानसेन शरणार्थी, तो भैया शरण देना है, तो शरण देने में चाहिए उत्साह होना चाहिए, उत्साह को इंग्लिश में कहते हैं जील, ZEAL, जील, तो इसमें जील संस्थान को मिला है, तो ये है जील अल्वेना एसोसिएशन, तो नानसेन शरणार्थी, तो शरण देने के लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, तो उत्साह का वर्ड है जील, तो संस्थान है जील अल्वेना एसोसिएशन। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, तो लाइव का ही हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्या है लाइफ, तो याद रखना यहीं से लाइफ संस्थान को मिला है, दिल्ली की ये संस्थान है, इसे मिला है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, तो लाइव से ही वर्ड आ जाएगा लाइफ। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, तो पूरी दुनिया के लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखना शिव के निवास में, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड शिव के निवास पर मिला है, तो दो आंसर हैं इसके, एक आंसर में शिव मिलेगा और एक में निवास मिलेगा, तो ऑप्शन देखिए आपको देखेगा शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन, तो शिव
के निवास पे मिला है। तो ये देखो दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे, शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन। नेक्स्ट है बॉयलर अवार्ड, बॉयलर बनिया के पास रखा है। बॉयलर किसके पास है? बनिया के पास रखा हुआ है। तो आंसर में बनिया जैसा शब्द आएगा तो वो है बेन्यामिन मंथली रिले, बेन्यामिन मंथली रिले। तो बॉयलर मंथली के पास रखा है तो बॉयलर अवार्ड मिला है बेन्यामिन मंथली रिले। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021, आर्यभट्ट हमारा क्या है? रेडी है। तो ये वापस से लाइट आ गई और लाइट आने के साथ मैं इसके फ्लैश बंद कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू। आर्यभट्ट रेडी है, आंसर है सतीश रेड्डी। आर्यभट्ट हमारा रेडी है, आंसर है सतीश रेड्डी। लाल बहादुर शास्त्री, लाल क्या है भैया? लाल है हमारी गुलाल, लाल है गुलाल। तो आंसर है रणदीप गुलेरिया। तो गुलेरिया ऑप्शन में आ जाएगा, अपने आप आपको मिल जाएगा। तो हमने देखे इतने शब्दों से आप याद करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। यंग हीरो हमारा संकट में है, तो ये हो गया संकटा। चेंज रोज रोज थोड़ी आता है, ग्लोबल गोल मारना है जिले को, तो आंसर में जिले वर्ड ढूंढना। नॉनसेंस शरण के लिए उत्साह, उत्साह मतलब झील। लाइव में लाइफ मिल जाएगा। ग्लोबल लीडरशिप शिव के निवास में है। बॉयलर बनिया के पास। आर्यभट्ट रेडी है। लाल है हमारी गुलाल गुलेरिया। और नाइट में क्या होगा? भानुमति का पिटारा खुलेगा। तो हमने देखा 21 से लेके 30 तक, अब आगे देखते हैं। अगले 10 अवार्ड आप देख रहे हैं, ये इनकी स्लाइड है, इनको हम देखते हैं कैसे याद रखते हैं। सत्य जीत रहा है, सच में जीत हुई गोपाल की, गोपाल की। सत्य में जीत हुई किसकी? गोपाल की। इसको दो तीन बार बोलो तो सत्य जीत के साथ गोपाल वर्ड जुड़ा रहना चाहिए। सत्य में जीत हुई गोपाल की, तो हमारा आंसर है बी गोपाल। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का सखा रो पुरस्कार। तो सखा से सखी वर्ड याद रखना है यहाँ पे, सखी। तो सखी कौन है? लेक्सी। यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन वर्ड ढूंढना, सखी कौन है? लेक्सी। तो आंसर है एलेक्सी नवलनी। तो सखी वह है लेक्सी। अर्थ का हीरो, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था एक यंग हीरो इको वाला, वो कैसा था उसका आंसर था? वो संकट में था, अजय संकटा। ये पूरी अर्थ का हीरो है, तो अर्थ का हीरो है टाइगर। तो एक संस्था है टाइगर कंजर्वेशन की, वो है परम्बिकुलम की, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, इसको मिला है अर्थ का हीरो टाइगर। और वो जो यंग हीरो था वो संकट में था। नेक्स्ट है तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर। तो एडवेंचर करना है आपको, कहीं चढ़ना उतरना है, तो एडवेंचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शीतल जल पीना पड़ेगा। शीतल जल पियो और एडवेंचर करो। तो आंसर है शीतल राज। तो एडवेंचर में शीतल जल पियो और आराम करो, एडवेंचर करो। नेल्सन मंडेला का शांति पुरस्कार। नेल्सन मंडेला, मंडोला किससे? शर्म से। किसकी शर्म से? अजय की शर्म से। मनडोला, आंसर है अजय शर्मा। शर्म से मंडोला, नेल्सन मंडोला शांति पुरस्कार अजय शर्मा को मिला है। एथुवाचन पुरस्कार, एथुवाचन पुरस्कार। ये चन जो है, चन से याद रखना, ये चना बड़ा बलशाली है। चना कैसा है? बलशाली है। तो आंसर में ये बलशाला वर्ड देखना, तो आंसर है पी बलशाला। एथुवाचन, वाचन में ये चना वर्ड अपने आप ऑप्शन में आने पे आपको ये सब याद आएगा, इसलिए अपने कॉपी में इनको जरूर लिख लें। ब्लैक स्वान, काला हंस किसके पास है? रेणु के पास है। काला हंस रेणु के पास है, रेणु गुप्ता। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। तो चिल्ड्रन दो हैं, अग्रवाल फैमिली को मिला है, याद रखना। अब अग्रवाल में वो आपको ऑप्शन जरूर बदलेगा, दोनों अग्रवाल हैं। एक है नया अग्रवाल, नव अग्रवाल, एक है विहान अग्रवाल। तो नव अग्रवाल, विहान अग्रवाल, इसको आप याद कर लीजिए, इसको रटना ही है। टाटा का लिटरेचर किसको मिला है? तो टाटा हमारे देश के हैं, और हमारे देश के जो लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो हमारे ही देश के साई को मिला है। तो टाटा हमारे देश के हैं और अवार्ड भी हमारे देश के साई को मिला है, और देश के साई से मतलब देसाई, कौन से? अनीता देसाई को मिला है। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन राय देने में बहुत ही क्या थे? प्रवीण थे।
राय देने में हुए हैं ये प्रवीण। तो आंसर है प्रवीण राय। तो स्वामीनाथन राय देने में प्रवीण थे, आंसर है प्रवीण राय। ये है 31 से लेके 40 तक की शॉर्टकट्स। आप एक स्क्रीनशॉट लेके ये जरूर आप पास में लिख लें, आपको ऑप्शन देखते साथ ही ये याद आएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे पुरस्कार करने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन टिपिकल भी पूछें तो वो हमसे गलत ना हो। तो ये हो गए 40 तक। लास्ट स्लाइड हम देखते हैं 41 से लेके 50 तक। अगेन स्टूडेंट्स, फिर से हम लास्ट स्लाइड करते हैं और हमारे 50 अवार्ड्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए आप, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी, ये आपको याद रखना है, फिल्म की पर्सनालिटी जो कि बड़ी सीनियर हैं और हम सब ने बचपन से जो है इनकी पिक्चरों को पसंद किया है, जिसमें शोले जो है वो इम्पोर्टेंट है और हमें बड़ी पसंद आई होगी। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, इन्हें मिला है फिल्म पर्सनालिटी का अवार्ड। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, ये हो गया हमारा 41। 42 टाटा मैगजीन, अभी हमने इससे पहले देखा था टाटा का लिटरेचर अवार्ड, जो कि हमारे ही टाटा हमारे ही देश के हैं, तो हमने पढ़ा था हमारे ही देश के साई को, तो अनीता देसाई आंसर था। यह है टाटा मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। तो टाटा की मैगजीन में जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो अकेला है, या कहेंगे मैगजीन पे मास्क बना हुआ है, मास्क को मिला हुआ है, मास्क को। तो यह है एलोन मस्क, एलोन मस्क को मिला है। तो टाटा की मैगजीन पे एक मास्क इमेजिन करना है आपको, एलोन मस्क को मिला है। नेक्स्ट, भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार नगदग पेल जी पुरस्कार, ये हमारे मोदी जी को मिला है, ये है भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन में कौन एथलीट ऑफ द ईयर है। तो टाइम मैगजीन में फोटो आया है किसका, आप याद रखना, एक सिम का फोटो आया है। टाटा की मैगजीन में मास्क का आया है, लेकिन टाइम मैगजीन में सिम का आया है, और इस सिम का क्या बिल के बारे में लिखा है, आंसर है सिमोन बिलेस, आंसर सिमोन बिलेस। तो टाटा मैगजीन मास्क याद रखना है, टाइम मैगजीन में सिम का बिल याद रखना है, सिमोन बिलेस। ग्लोबल एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर अवार्ड ये आपको रटना है, मंगलम बिरला को मिला है। तो ग्लोबल एंटरप्रेनर अवार्ड मंगलम बिरला को मिला है। वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप किसको मिला है, ये भी आपको याद रखना है, दिव्या हेगड़े को मिला है। वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट, तो दिव्या हेगड़े आंसर है। ग्लोबल पीकॉक पर्यावरण, तो ये पीकॉक अवार्ड काफी एग्जामों में पूछा जाता है। तो पीकॉक की क्या लगी है, सेल लगी है, तो एक संस्था है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल को मिला है। पीकॉक मोरो की क्या लगी है, सेल लगी हुई है, तो ये आंसर है सेल। अगला है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बीबीसी की किसको मिला है, तो हमें याद रखना है अम्मा की दुकान, इसकी शॉर्टकट है अम्मा की दुकान, ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। तो आप आंसर देखिए, एम्मा रादुकानू, एम्मा रादुकानू, अम्मा की दुकान, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो डिजिटली इन्होंने क्या इनोवेट किया है, डिजिटली इन्होंने सारी चीजों को जिंदा कर दिया, ये याद रखना, क्या कर दिया, जिंदा कर दिया, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड में जिंदा कर दिया। तो आंसर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मिला है, जिंदल, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मिला है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार, तो मदर टेरेसा के लिए आपको तीन वर्ड याद रखना है, MAR मार, M से मोहन, A से अनिल, R से रिधिमा, तीन लोगों को मिला है मदर टेरेसा अवार्ड। ये हो सकता है वो एक दो नाम आपको बदल के दे दे और एक कॉम्बिनेशन बना दे आपको और आपसे पूछे, तो MAR मोहन अनिल रिधिमा, इनको मिला है मदर टेरेसा। एक हम वैसे ही याद रख लेते हैं, सुशीला देवी पुरस्कार किसे मिला है, तो आपको याद रखना है सुशीला देवी की जो कृति है वो सगी है, सुशीला देवी की जो कृति है वो सगी है, और ये अवार्ड जो है मिला है, ये मिला है अनुकृति और उपाध्याय, और इनकी जो रचना है वो है किंतु सुगी, तो अनुकृति उपाध्याय आंसर है अनुकृति। तो सुशीला देवी की कृति कैसी है, सगी है, तो कृति वर्ड ढूंढना, उपाध्याय, और इनकी जो रचना है वो है किंतु सुगी, किंतु सुगी, ये इसके लिए मिला है सुशीला देवी पुरस्कार।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि लाइट बार बार जा रही है तो हमारे लेक्चर को हम 51 अवार्ड्स हमने किए हैं, नोबल पुरस्कार कर चुके हैं और 13 इम्पोर्टेंट पुरस्कार हम कर चुके हैं। तो लगभग आप देखोगे हम अभी तक 65 से 70 अवार्ड इजिली कर चुके हैं, 70 से ऊपर ही कर चुके हैं। एक और स्लाइड 50-55 अवार्ड्स की आएगी, उसमें मैं आपको बाकी सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड और महिलाओं से रिलेटेड जो और अवार्ड्स हैं वो मैं आपको याद करा दूंगा, तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट मैसेज आप सबके लिए कि यदि आप जैसे स्पोर्ट्स का मेरे पास डिमांड आ रही है कि स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी वगैरह वो सब कुछ बना हुआ है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है उसकी, वो मैं करवा दूंगा। स्पोर्ट्स के साथ साथ मेरे पास उसकी भी शॉर्टकट्स बनी हुई हैं, जिसमें अपन कौन सी वर्ल्ड की जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सी कुछ कुछ ये निकालते हैं कि ये थीम किस संस्था से रिलेटेड है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं उसकी भी शॉर्टकट्स बनी हुई है, वर्ल्ड बैंक कितनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है पूरी दुनिया में वो भी बनी हुई है। यदि आप चाहेंगे तो आप कमेंट लिखिए, हम धीरे धीरे इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।